टॉरस, वेलकम टू गुरु मंदिर टैरो। और ये रीडिंग है 13th ऑफ नवंबर से लेके 19th ऑफ नवंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस वीक में। एस ऑफ वांड्स, Five of Pentacles, Two of Wands, Seven of Wands, and Three of Swords. तो हमारे पास Five of Pentacles है। लग रहा है इस पर्सन ने आपको एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में डाल दिया है। आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रहे हो सकते हैं और इस पर्सन ने शायद चूज किया है थर्ड पार्टी को, या कह सकते हैं कि इन्होंने उसे चूज किया जो इनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल था। ये पर्सन जिससे आप डील कर रहे हैं ये पूरी तरह से सेल्फ सेंटर्ड है। इस वक्त इस पर्सन को कुछ समझ नहीं आ रहा। इन्हें लगता है कि जस्टिस नहीं होता, इन्हें लगता है कि ये जो चाहे वो कर सकते हैं, दूसरे लोग भी बिल्कुल उन्हीं की तरह होते हैं एंड हर वक्त सिर्फ अपने फायदे की सोचते हैं। उन्हें लगता है कि दूसरे लोग भी उनके साथ यही करते अगर उन्हें भी ये चॉइस मिले तो। अगर आपको ये चॉइस मिले कि आपको कोई उनसे बेहतर मिल जाए तो आप डेफिनेटली उन्हें चीट करते या उन्हें छोड़ देते। और यहाँ पे बात बेहतर मिलने की भी नहीं है। आई थिंक आपका पर्सन फाइनेंसेस को भी लेके परेशान है। ओके, और ये थर्ड पार्टी किसी तरीके से इन्हें हेल्प कर रही है। अब ये फाइनेंशियल हेल्प हो सकती है या कुछ ऐसा है जिसे ये पर्सन छोड़ नहीं पा रहा। और थर्ड पार्टी हमेशा रोमांटिक इंटरेस्ट ही नहीं होती। हो सकता है ये फैमिली मेंबर्स भी हों जो आप दोनों के रिलेशनशिप में एक ऑब्स्टेकल बन गए हैं एंड आपका पर्सन अपना कंफर्ट जोन, अपनी सिक्योरिटी छोड़ना नहीं चाहता, चैलेंजेस लेना नहीं चाहता। उन्हें लगता है कि ये इमोशंस टेम्पररी है पर ये कंफर्ट और सिक्योरिटी तो हमेशा रहेगी। एंड उन्हें ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए जिससे ये उन लोगों को गवा दे जो इन्हें किसी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये पर्सन इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। इस पर्सन को थर्ड पार्टी की भी परवाह नहीं है। ओके, आज अगर इन्हें लगे कि आप इनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है तो ये पर्सन आपकी तरफ आ जाएगा। हालातों के हिसाब से ये पर्सन बदलता है एंड उन्हें लगता है कि हर कोई ऐसा ही है। बहुत इमेच्योर इंसान है ये, इनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस भी कुछ ऐसे रहे हैं। और मैं सच कहूं तो ये पर्सन आपको डिजर्व ही नहीं करता। ओके, एस ऑफ वांड्स के साथ आपने इन्हें कुछ ज्यादा ही तवज्जो दी अपने जीवन में। ऐसा लग रहा है कि आपने इस पर्सन को वो इम्पोर्टेंस दी जो इन्होंने कभी महसूस नहीं की, यानी इससे पहले इन्हें कभी किसी ने ये इम्पोर्टेंस नहीं दी। और आपका इन्हें एस ऑफ वांड्स की तरह ट्रीट करना इन्हें इस मिसअंडरस्टैंडिंग में ले गया कि ये बहुत परफेक्ट हैं और ये बहुत कुछ डिजर्व करते हैं एंड इन्हें तो कोई भी मिल जाएगा, तो ये किसी को भी ऑप्शन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। टू ऑफ वांड्स के साथ शायद इस पॉइंट पे आप बहुत ज्यादा परेशान हैं और एंग्शियस फील कर सकते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग डिप्रेस्ड भी हों एंड आपको लग रहा है कि आप कभी इससे बाहर नहीं आएंगे। ये एक ऐसा रास्ता है,
ऐसी अकेली जर्नी है अंधेरे रास्ते पे की जो खत्म ही नहीं होगी, आप बस इस पे आगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, और कभी आपको वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि थ्री ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे। ओके, तो थ्री ऑफ सॉर्ड्स का मतलब है कि जो भी खत्म होगा वो कंप्लीटली खत्म होगा, यानी इनके लिए जो फीलिंग्स है आपके अंदर वो टेम्प्रोरी है, वो फीलिंग्स भी आपके अंदर से चली जाएंगी, स्पेशली तब जब आप ये सेवन ऑफ वांड्स देखेंगे, यानी इस पर्सन का नेग्लिजेंस देखेंगे, इस पर्सन की कह सकते हैं इस पर्सन की जो बेशर्मी है अपनी गलती को ना मानने की, वो चीज जब आप देखेंगे जो आपको लगेगा कि शायद आप इस रिलेशनशिप से दूर ही अच्छे हैं। अब भले ही ये कुछ समय के लिए पेनफुल ही क्यों ना हो, पर ये परमानेंट नहीं है। अगर इस पर्सन के साथ आप रहते हैं तो ये सफरिंग परमानेंट भी हो सकती है। यूनिवर्स आपको कह रहा है इस बारे में सोचिए कोई भी फैसला लेने से पहले, ओके? क्योंकि आप कुछ भी पूछेंगे उसका एक्सक्यूज इस पर्सन के पास रहेगा। ये पर्सन बिल्कुल बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी कह देगा, एंड आपको ये समझ में आएगा कि ये वो पर्सन है ही नहीं जैसा आप अपने लिए चाहते हैं, उतना इमोशनली डीप, अंडरस्टैंडिंग, मैच्योर। एंड फिर आपको ये लगेगा कि शायद ये सब कुछ किसी वजह से ही हो रहा है। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2023 की, फर्स्ट क्वार्टर की और सेकेंड क्वार्टर की, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हमेशा की तरह, आप चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मैसेजेस आपके लिए क्या है। द हायरोफैंट, टू ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, नाइट ऑफ कप्स, द डेविल। तो यहां पे द हायरोफैंट का कार्ड है। हायरोफैंट के साथ आप बिल्कुल सेफ हैं, आपके स्पिरिट गार्ड आपको वॉच कर रहे हैं, एंड आपको किसी बात से घबराने की जरूरत नहीं है। ये स्पिरिट गार्ड आपको वो रास्ता दिखाएगा जिस पे आपको चलना है, एंड टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ लगता है कि आप अभी भी सोच रहे हैं कि आप क्या करें, एंड ये पर्सन ये श्योर करेगा कि जब तक आप सोच रहे हैं तब तक ये आपको सोचने लगे, ओके? एंड जब इन्हें ऐसा लगेगा कि अब शायद आप सोचना बंद कर रहे हैं, नाइट ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन हाजिर हो जाएगा आपके दरवाजे पे। ये पर्सन आपको दोस्ती ऑफर करेगा, आपको ये दिखाने की कोशिश करेगा कि वो कभी भी ऐसा करना नहीं चाहते थे, एंड ये सब उन्हें करना पड़ा और उनका वो मतलब नहीं था, या बातों को घुमा फिरा के करने की कोशिश करेंगे, पर दिमाग के अंदर तो डेविल है, ओके? ये पर्सन आपको जाने नहीं देना चाहता, क्योंकि द एम्प्रेस के साथ ये पर्सन जानता है कि आप भी इनके लिए बेनिफिशियल है, ओके? एंड आप इनफैक्ट उन्हें जितना आप कर सकते थे आपने हमेशा उनके लिए उससे ज्यादा ही किया है। इस पर्सन को इस बात का अंदाजा है, द डेविल अपने फायदे के बारे में सोच रहा है, और उन्हें लगता है कि क्यों ना आपके भी साथ टच में रहा जाए, आखिर आप भी उनके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी चीज है जो इस पर्सन को दूर जाने नहीं देगी। इनका अपना जो ईगो है या इनके अपने जो सेल्फ थॉट्स है, सेल्फिशनेस है, या फिर जो इनका स्वार्थ है, ये इन्हें दूर नहीं जाने दे रहा किसी भी चीज से, और किसी भी एक चीज को ये चूज नहीं कर रहे। बहुत डिप्लोमेटिक माइंड गेम खेल रहा है इस वक्त ये। चलिए देखते हैं आपके और भी मैसेज क्या है। इमरामा, वेयर आर यू बीइंग कॉल्ड टू जर्नी टू,
तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको कहाँ की जर्नी करने के लिए कहा जा रहा है। ये जर्नी है अपने अंदर की जर्नी करने के बारे में। अपनी सोल को पहचानिए, अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, अपने सपनों के पीछे जाना जरूरी है। इनफैक्ट यहाँ पे सपने भी आपको कुछ मैसेज दे सकते हैं, उन पे भी फोकस करना जरूरी है। कोशिश कीजिए यूनिवर्स के मैसेज रीड करने की, क्योंकि ये आपको उस जगह ले जा रहे हैं जहाँ आपको जाना ही है। ओके, ये जर्नी पूरी होगी, अब चाहे वो अभी हो या बाद में। इस जर्नी में जितने ऑब्स्टेकल्स हैं वो सब रिमूव हो जाएंगे किक करके। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।